अच्छा टेस्ट का डिस्कशन नहीं हुआ अभी। अरे जी आप लोग कल याद दिलाना जी टाइम से पहले, यहाँ पे एप्लीकेशन वालों को भी तो सूचना देना पड़ता है ना, जैसे आप लोग को तो पहले से सूचना नहीं रहता। गुड मॉर्निंग सारे एप्लीकेशन वाले सब लोग को। हॉल नंबर 2, 3, 4 जितने लड़के हैं सब बैठिए, सबको आवाज जा रही होती है। नया नया लड़का रहता है ना तो खदखदाने लगता है, उसको लगता है कि हम खान सर के पास ऑफलाइन में पढ़ेंगे। ऑफलाइन में कितने लड़के पढ़ सकते हैं, मतलब 300-400 लड़की बैठती है और मतलब और उधर मतलब मान के चलिए जितना होगा, कौन गिनने जा रहा है इन लोग को उतना ही दूर तक तो लड़का पढ़ता है, उसके बाद तो उसके पीछे वाला भी प्रोजेक्टर पे ही पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कौन सी देख रहा था? चलो ध्यान नहीं दे तो सबको देखो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे दिमाग से उतर गया डिस्कशन वाला। एप्लीकेशन वाले लड़के आप लोग को अभी बता देते हैं, कल डिस्कशन कराएंगे जो टेस्ट लिए थे, ठीक है? और शायद मटेरियल में आप लोग को मृद भांड वाला नहीं लिखे हुए थे, तो उसी टेस्ट में जो टेस्ट क्वेश्चन रहेगा ना जो उस पर लिख देंगे, पीछे टाइप कर देंगे। इस बार जो किताब वाला था पीडीएफ उसके पीछे खाली जगह था, उसमें लिख देने लायक था। खैर चलिए अब हम उसको कल डिस्कशन करा देंगे। और बाकी पटना वाले लड़का लोग दो तीन बात ध्यान से सुनिए। हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 जितने लड़के हैं भाई, जब ये क्लास में आने के लिए केवल ये सीढ़ी है, ठीक है? गधा इधर से चढ़ जाता है सब, हम समझा दे रहे हैं। कितने बजे या तो तुम लोग 9 बजे के क्लास में 8 बजे क्यों आते हो? जाते उधर नहीं लगाओ जी बेंच, उधर जाते बेंच नहीं लगाओ। 8 बजे कल गेट खुलवा दीजिएगा, इन लोग को दिक्कत होने लगता है। बाकी बैठिए, जमुई में लड़का अभी तक कहे टहल रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत है। अब आपको 8 बजे से कल गेट खुलवा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि उस गेट से ना आए। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन वाला कर रहा है सर मैप में एडमिशन नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन पर मैप में एडमिशन के लिए जगह ही नहीं बचा है, एप्लीकेशन ऑलरेडी मरने के कगार पे आ गया उसका सर्वर। लाल सहवाल बैठ जा कहीं, बुद्धि नाम का चीज नहीं है, बिचवा में आके खड़ा हो गया तो पीछे का दिक्कत होता होगा पसाड़ काल वाला। हाँ इधर बाहर चल, तो बाहर निकलो, यहां बैठो। आप लोग अपनी लोग टाइम से आया कीजिए। बायोलॉजी का भी बाबू, बायोलॉजी का आज बैच स्टार्ट होने वाला था, सर्वर में जगह का प्रॉब्लम होने की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया 3-4 दिन के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं ना हो सकता कि पटना के लड़कों को आगे पढ़ा दे, उन लोग को दोबारा पढ़ाए, दो बार हमको मेहनत करना पड़ेगा, इतना फुर्सतें नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे सर्वर पर, अमेजोन के सर्वर पर। अमेजोन का बहुत तगड़ा है सर्वर, तो हम लोग उस पर अमेजोन पर अब शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका सुनते हैं कि बहुत जबरदस्त सर्वर है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगा। अब हम तो आगे पढ़ाते हैं, कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कहाँ तक पढ़ाए थे? हाँ अच्छा, वैदिक काल के बारे में समझा दिए थे, वैदिक काल में बताए थे ना। अच्छा बताइए, वैदिक काल में हम बताए थे आपका कि पहला चीज बताए थे समाज कितनी भाग में था, समाज 4, सबसे उच्च वर्ग में हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैश्य और शूद्र। उसके बाद आपको क्या बताया था, पंचायत वगैरह या डिसीजन लिया जाता था कितने भाग में, सभा समिति और विदत, सभा समिति और विदत। इसके आगे भी कुछ बताए थे, यज्ञ कितने प्रकार के, यज्ञ कितने प्रकार के यज्ञ थे, कौन कौन, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय, राजा अपने राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ कराता था? हाँ राजश्रेय, अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ, और कब्जा करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ। कब्जा वगैरह करने के लिए कौन सा यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। यहाँ तक तो हो गया था, आगे और कुछ पढ़ाए थे, देवता। ओ भाई यही कहां से छूट गए भाई, देवता लोग नहीं छूटिए भाई
ये लोग छूट गए लोग। देवता में सबसे प्रमुख इंद्र। कितने लोग बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त में सबसे फेमस देवता कौन थे? हाँ, पशुपति शिव, और इस समय के सबसे फेमस इंद्र। इंद्र की चर्चा कितनी बार? अग्नि की। वायु के देवता कौन थे? सबसे बिखिया देवता रुद्र। तूफान के देवता मारुत। तूफान के देवता जंगल के देवता, जंगल के देवता सोम देवता। याद रहेगा आप लोगों, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सोम देवता तक पढ़ा दी, तब उसके आगे पढ़ाना है। इसमें दो चीजें याद रखेंगे, एक नदी इस समय जो सप्त सैंधव नदी थी ना, कितनी नदी, कौन सी नदी में आके ये लोग बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में जो बचे बसे थे। उस समय की नदी का नाम और अभी के नदी के नाम में कुछ चेंजिंग है। जैसे इंद्रप्रस्थ किसका नाम है भाऊ? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था। पाटलिपुत्र पटना का नाम। तो वैसे नदियों के नाम थे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देता था नदियों से रिलेटेड। अब नदी में कुछ फेमस नदी है जिससे आपके क्वेश्चन पूछेगा, जैसे झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। एक है ब्यास, झेलम के बाद कौन सा? ब्यास। देखिए झेलम नदी, ब्यास नदी, चिनाब, सतलज, सतलज और चार हुआ कि पांच हुआ जी? अरे कुछ नंबरिंग हो जाए यहाँ पे। रावी, सिंधु, सिंधु। पहले इतना ही देखते हैं, फिर गंडक वगैरह को देखेंगे हम लोग। चलिए अभी के वक्त में जो झेलम नदी है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं झेलम नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मिला? चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच में था कौन सा? मांडा। झेलम नदी तो खैर जम्मू कश्मीर में डल झील के पास है। झेलम नदी का क्या कहा गया? वितस्तता, 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 वितस्तता किसे कहा गया? वितस्तता झेलम। याद रखिएगा, ये खड़े क्वेश्चन पूछता है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। याद है तो मारेंगे, नहीं याद है तो जाएंगे चुपचाप। वितस्तता किसे कहा गया? झेलम। ब्यास बिपाशा, ये कभी नहीं भूलेगा। ब्यास बिपाशा, बासु मत जोड़ दीजिएगा। बिपाशा बासु एक हीरोइन थी, बहुत हाँफती थी वो। हमको तो लगता है भारत में पहला कोरोना उसी को था। वो किसी मूवी में देखिएगा बिना हाँफते हुए को दिखाई देने का। अजी उसका एक भूता मूवी था राज, चुड़ैल बनल थी उसमें। तो देखिए ब्यास कौन सा हो गया? बिपाशा। चिनाब का अस्कनी, चिनाब का अस्कनी, चिनाब का कौन सा? अस्कनी। चिनाब, सतलज, ये भी याद रहेगा, शत्रुदी, सतलज का शत्रुदी, सतलज शत्रुदी, सतलज, रावी परुशनी, रावी, रावी परुशनी नदी, रावी परुशनी, याद रहेगा। सिंधु का सिंध, सिंधु का सिंध, कौन सा? सिंध, सिंधु का सिंध, सिंधु, सिंध, सिंधु, याद रहेगा इतना। झेलम का झीलम, झेलम, अब ब्यास, ब्यास, चिनाब, चिनाब, सतलज, सतलज, रावी परुशनी, रावी, सिंध, गंडक सदा नीरा, गंडक, गंडक नदी देखे आप कहाँ है? हाँ, अरे नेपाल के पास से निकलती है, रक्सौल वाला एरिया पार करते हुए छपरा के इधर पटना के पास सोनपुर जो जगह है वहीं पे आके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, सोनपुर का मेला। लेकिन क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि सोनपुर में स्थित पशु मेला किस भगवान, किस घाट पर लगता है? एक भगवान है हरिहर, हरिहर घाट, हरिहर नाथ है। चलिए यहाँ देखिए कौन सी नदी बता रहे थे? गंडक का क्या कहा गया? सदानी, गंडक,
गंडक को सदा नीरा, सदा मतलब हमेशा पानी रहता है, नीरा गंडक सदा नीरा हो गया। सरस्वती घग्गर, सरस्वती घग्गर, सरस्वती घग्गर, सरस्व सरस्वती को क्या कहा गया, घग्गर घग्गर, सरस्वती को घग्गर, सरस्वती घग्गर, सरस्वती। देखिए सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई, ये राजस्थान के पास से निकलती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, भूमिगत एकदम विलुप्त हो चुकी है, मतलब अब उस नदी का कोई अवशेष ही नहीं मिला है। जिस तरह सिंधु सभ्यता कैसे विलुप्त हो गया, वैसे सरस्वती नदी भी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। हालांकि गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता था, प्रयाग में होता था, लेकिन अभी सरस्वती वहां पे क्या हो चुकी है, भूमिगत गायब हो चुकी है, मिली नहीं है। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भूलॉजिकल जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो इसकी खोज में लगा हुआ है। आप जाएंगे इलाहाबाद में भी तो वहां आपको केवल गंगा और यमुना मिलेगा, हालांकि आप पानी देख के बता सकते हैं गंगा का है कि यमुना का है वहां पे। और वहां पे अब तो गंगा नदी में बहुत प्रदूषण हो गया है ना, वरना पहले कभी भी कहीं से भी गंगा नदी में पानी भर लीजिए कीड़े नहीं पड़ते थे, बैक्टीरियोफेज नामक उसमें जीवाणु पाया जाता था जो कीड़े मकोड़ों को मार के खत्म कर देता था। लेकिन हम मानव लोग से बड़का कोनो कीड़ा है, इतना ना गंदगी मचा दिए जिसका कोई हद नहीं। तो अब गंगा नदी में जाइएगा तो वहां लोग बताते हैं कि यहां से पानी मत भर लीजिए, वहां से भरिए, वहां शुद्ध है, मतलब किनारवा से भरेंगे कुछ ज्यादा चौपट कर देता है सब। तो ये नदी याद रहेगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। झेलम का झेलम सदा नीरा, सदा नीरा परुशनी, परुशनी परुशनी, रावी नदी को क्या कहा गया, परुशनी कहा गया। नदी याद रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दर्शन शास्त्र पे। दर्शन का मतलब क्या होता है, कोई हमारी फिलॉसफी, हम आपको बताए थे दर्शन का मतलब होता है हमारा अपना कोई सिद्धांत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दर्शन। तो भारत में ना कुल वैदिक काल में 6 प्रमुख प्रमुख क्या दिए गए थे, दर्शन दिए गए थे। तो 6 को क्या कहते हैं, षष्ठ दर्शन। 7 को सप्त दर्शन, 7 को क्या कहते हैं, सप्त। तो ये कौन सा होगा, षष्ठ दर्शन। 6 है तो षष्ठ, ऐसे ठीक लिखा है जी, षष्ठ नहीं लिखा है सही, स दर्शन। ए छोड़ो यार, पहले ही सही था, षष्ठ दर्शन। कितने दर्शन हो गए, अरे यार यहां देखो ऐसे हो गया, समझ आ गया, षष्ठ दर्शन। हम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं यार हिंदी हिंदी के क्लास में हम लोग छुट्टी लेके चल जाते, मैडम पानी पीने जाए पानी पीने चल जाते थे लोग, हिंदी के बाद आते थे लोग, घंटी खत्म हो जाता, समझे में नहीं आता था हिंदी का क्लास उसका भुगतना पड़ता है अभी खैर उसमें सबको अपना अपना एक गड़बड़ होता है, हमको मात्रा होता गलती हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, 6 दर्शन थे, इसमें कुछ दर्शन बहुत फेमस थे। ये क्वेश्चन ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक में पूछेगा, आपको यही याद होना चाहिए, और नहीं याद होगा तो जाएंगे आप लोग चौपट हो जाएंगे। मे आई विजिट मैम, ये बकलोलवा कोने मैडम से मिलने के लिए कह रहा है, ओकरा ब्लॉक मारो तो एका एप्लीकेशन, अरे वो डिलीट हो जाएगा उसको, चलो चलो नीचे चलो नीचे चलो, उसको डिलीट वो मत मार देना वरना वो एप्लीकेशन से डिलीट हो जाएगा, फिर उसको बैच परचेज करना पड़ेगा यहाँ बाबू एप्लीकेशन वाले लोग तामझाम नहीं किया कि यहाँ 2 में आपका गर्दन हमारे पास है ब्लॉक करेंगे तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, डिलीट करेंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्लॉक मार अब उसके एप्लीकेशन से ब्लॉक कर देंगे ना तो आप उस ईमेल आईडी से प्ले स्टोर से भी बाहर हो जाएंगे, इसलिए बदमाशी नहीं। बताओ कौन मैडम से मिलने का, मे आई मीट यू मैडम, ये कौन मैडम से मिल रहा है ये सच रहा, फरवरी महीना बहुत खराब है, न जाने कितनों का दिल तोड़ा इसने, इसीलिए इसके दिन को घटा दिया गया है, बहुत खराब महीना, कोनो याद आ रहा होगा, पढ़ ले बबुआ पढ़ ले, फरवरी चौपट महीना है। चले यहां देखो, न्याय दर्शन, कौन सा न्याय, न्याय दर्शन को किसने लिखा था, गौतम, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन, हाँ उल्टा लिख का सांग, कौन सा था, सांख्य दर्शन। योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। पहले 4 याद करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए भाई मटेरियल में गड़बड़ी तो नहीं रहेगा, इस लगले सुधारते रहेगा, मटेरियलों में सुधरवाना। न्याय दर्शन किसने लिखा था, गौतम, गौतम बुद्ध नहीं जी, गौतम।
न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, योग दर्शन, ये तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। योग दर्शन, योग दर्शन, सांख्य, न्याय, न्याय, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, वादरायण, वैशेषिक दर्शन, कनाड, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कनाड, वैशेषिक दर्शन, कनाड। देखिए याद रखने का इसका तरीका देखिएगा, वैशेषिक मतलब एक समझिएगा विश्व की बात चर्चा कर रहा है। तो भारत में बहुत ही पहले कनाड ऋषि थे जो डाल्टन के सिद्धांत से पहले ही उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि पूरा विश्व किससे बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। भारत में थोड़ा सा, भारत की शिक्षा व्यवस्था गुलामी के दौर में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, नहीं तो हम लोग बहुत आगे गए रहते। तो कनाड ने क्या कहा था भैया कि पूरा विश्व छोटे छोटे किससे बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है। तो वैशेषिक पहली जानकारी किसने दिया था, कनाड ने। तो ऐसे याद रखिएगा एक ट्रिक के तौर पर, योग दर्शन गौतम, न्याय सॉरी न्याय दर्शन सांख्य, योग वैशेषिक, वैशेषिक। अब उसके बाद देखिए छठवां सातवां, देखो दो तमीमांसा है, कौन कौन है भाई, एक उत्तर मीमांसा है, मीमांसा, और एक है पूर्व मीमांसा, कौन सा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये किताबें हैं, इसमें बहुत सारी जानकारी लिखी गई, इतना कि महात्मा बुद्ध ने भी सबसे ज्यादा प्रभावित किस दर्शन से थे, सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन एक किताब है, इस दर्शन शास्त्र को एम ए पी जी में आपको पढ़ना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र, इंग्लिश में उसको कहते हैं फिलोसफी। आप लोग में भी कई लोग कोई दर्शन शास्त्र लिया है कि नहीं, कोई ग्रेजुएशन में दर्शन शास्त्र नहीं लिया, लड़की लोग भी नहीं लिए, लेना अच्छा आप लिए हैं, दर्शन शास्त्र भी अच्छी की होता है वहां पे फिलोसफी वगैरह में। तो ये उसी टाइप का है, इसमें हर एक सिद्धांत दिए गए हैं। खुद महात्मा बुद्ध किसके सबसे ज्यादा फॉलोअर थे, सांख्य दर्शन के थे। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के थे वादरायण, कौन थे वादरायण, कौन थे वादरायण, उत्तर मीमांसा के वादरायण, उत्तर मीमांसा के वादरायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूछेंगे क्वेश्चन बता देंगे, दर्शन कंप्लीट हो गया, दर्शन देखे, नदी देखे, पंचायत देख लिए, भगवान लोग को देख लिए, और कौन सा यज्ञ वगैरह देखे, सामाजिक व्यवस्था देख लिए, वैदिक काल से यही सब तो पूछता है, और आगे भी वैदिक काल में पूछेगा, बट उतना सीक्वेंस में नहीं है। बताइए योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन, योग उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वादरा, उत्तर मीमांसा वैशेषिक कनाड, वैशेषिक, वैशेषिक, अरे ये सिंपल है, वैशेषिक मतलब विश्व, कनाड ने सबसे पहले बोल दिया था कि विश्व की रचना छोटे छोटे परमाणुओं से हुई, तो वैशेषिक दर्शन कनाड, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वादरा, योग सांख, सांख सांख, न्याय, महात्मा बुद्ध सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, किस दर्शन से, सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। झेलम नदी को क्या कहा गया था, वितस्तता, रावी नदी परुष्णी, रावी नदी रावी, अरे यार देखो परुष्णी इसमें रह है कि नहीं, रावी से, ऐसे याद रखो छोटा छोटा कुछ भी अपने दिमाग में बैठा के, उसमें कौन ध्यान देता है, रावी का क्या हुआ, झेलम, झेलम को यही बकलोल साहब किस बैच के है लोग, अच्छा मैप वाला है लोग, तो बकलोल नहीं हो लोग, ठीक है, हमको लगा हिस्ट्री वाला है कि खड़ा है सब यहाँ पे इतना पहले क्या आ गया सब मैप वाला। क्या जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत हो गया, दर्शन वगैरह सब कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे आपके मटेरियल में जिस तरह से दिया है थोड़ा सा टफ हो गया होगा आपको, तो हम दोनों तरह से लिख देते भैया, क्लास में दूसरे तरीके से, मटेरियल में दूसरे। पांचवा हम देवता के बाद क्या पढ़ाए थे, नदी और उसके बाद दर्शन, कौन सा दर्शन, अट जाओ इतने में, अट गया ना, अट गया दर्शन,
यूपीएससी का क्वेश्चन था, सुनिए ध्यान से। इनमें से कौन सा भारत के वैदिक काल के दिए गए षष्ठ दर्शन का एक हिस्सा नहीं था? तो इसका मतलब भारत में षष्ठ दर्शन तो आपको पता ही है, उस षष्ठ दर्शन का कौन सा हिस्सा नहीं था? अब हमको ससुराल को ढेर ऑप्शन में ना याद है, लेकिन क्वेश्चन वह याद है, तो उसमें तीन गो था जो इसी दर्शन से था, कहीं ना कहीं तीन तो इसी दर्शन में था। एक कुछ और था जिसका नाम था वेदांत। क्या नाम था? वेदांत। अब बताइए वेदांग, आरण्यक, ये सब दर्शन में आते हैं? उपनिषद ये सब तो दर्शन में नहीं आते हैं, ये तो ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। किसमें आएंगे? ब्राह्मण। आराम से छांट सकते हैं। देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन में या बीपीएससी के क्वेश्चन में, एक बार बोले थे हम आप लोग को समझा देंगे, अब कभी टाइम नेक्स्ट वीक या कभी याद दिलाएंगे लोग तो हम समझा देंगे, यूट्यूब पे समझा देंगे। आज चलो कैसे अभी समझा देंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो वन डे एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम उसको बोलते हैं कि एक दिन में काम खत्म, एक के दिन में काम खत्म। बट पीसीएस और आईएएस वन डे एग्जाम नहीं है, मेंस में आपको ना बोर्ड एग्जाम की तरह लिखवाएगा, जिस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में इंटर ग्रेजुएशन में किए होंगे वैसे लिखवाएगा। तो ऐसे एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये आपका नॉलेज नहीं चेक करते हैं, ये आपको कंप्लीट नॉलेज इन्हें पसंद है, अधूरा नॉलेज इन्हें नहीं पसंद है। जैसे रेलवे के एग्जाम में आपको कंप्लीट भी नहीं है ना तो मार्क निकल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे रेलवे के एग्जाम में पूछेगा तो क्या पूछ देता है, ऐसे पूछेगा वैसे सी किसने लिखा, कनाड। यानी अगर आपको बस इतना भी याद था ना गलती से तो आपका रेलवे में एग्जाम हो गया, एक नंबर मिल गया। मान के चलिए आपको बस इतना ही पता था योग दर्शन पतंजलि, ये तो सबको पता होगा, एग्जाम हो गया। बट यूपीएससी पीसीएस में ये नहीं चलता है, उसे चुरा या तो कह देगा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करो, ऐसे ऐसे कोचिए आई है में आई ओ में कोचते रहिए, मतलब कंप्लीट नॉलेज है तो कोच काच के आगे बढ़िए, नहीं तो कह देगा इनमें से कौन सा नहीं है। हमेशा देखिएगा ज्यादातर 30% क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में निगेटिव से पूछता है कि कौन सा नहीं है, यही आदमी फंस जाता है, समझ में गया कि नहीं। जैसे हम मान के चले अगर बोल देते हैं कि इसमें से कौन सा होशियार नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगा उसको खोजने में, सबके बारे में आपको पता चलना पड़ेगा कि कौन होशियार है कौन बकलोल है, तब ना आप छाटेंगे यहाँ पे, समझे। उसी तरह यूपीएससी इसी तरह से पूछता है, चार पांच तो दे देगा और कंप्लीट पता है तो आंसर दीजिए, नहीं तो चल आइए चुपचाप अगली बार में फिर तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे एक एक से आप इलाहाबाद में जाइएगा ना या दिल्ली मुखर्जी नगर में तो अंकल की एज के लोग तैयारी कर रहे हैं, अंकल के लोग, आंटी सब भी है सब वो लोग तैयारी कर। तो भाई हर चीज का एक तरीका होता है, आप उस तरीके के हिसाब से किसी को किसी भी एग्जाम की हम बात करते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आप उसके पिछले 10 से 15 साल का प्रीवियस बना लेते हैं तो आधा तो काम आपका वहीं हो गया, आधा काम यही हो गया, खास करके यूपीएससी के लिए। मेंस का अगर आपने 1990 या 1995 से लेकर अभी तक का जो क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है अगर आप बस उसको बना लेते हैं, कुछ नहीं तो उसको यादों कर जाते हैं, हम तो आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर जो घर पे है क्लास नहीं कर सकता उसको यादों कर लेता है ना तो उसको बहुत काम आएगा। रीजन क्या है कि मेंस बहुत टफ एग्जाम होता है, उसमें एक सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एक एरिया है कि यही चीज क्वेश्चन, उसमें ही नहीं पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम सहनी, मेंस में पूछेगा ही सब लेमचूस वाला क्वेश्चन पीटी में निकल जाता है। उसमें क्या पूछेगा कि आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यही पूछेगा। आप बताइए कि भैया यहाँ के घर जो थे सड़कें सीधी थी, नालियां ढकी थी, सुव्यवस्थित ढंग से थे, जो शहर जहां मिला है जिसके दरवाजे पीछे खुले हैं उस पूरे शहर के दरवाजे पीछे खुले थे, इसका मतलब कोई वहां गाइड करने वाला था कि तोरा नक्शा पास ना करेंगे, इनने से उनने कर देगा तो कंगना रानौत की तरह छज्जा तोड़ देंगे तोरा, कोई ना कोई नगर निगम था कि नहीं था। सिंधु सभ्यता वैदिक काल और मौर्य काल, हम अभी तो ये तीन चल रहा है, अगर आप इतना इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि खुद बीपीएससी के पास अब नया क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बताएगा क्या, उसी में तनी सा टेढ़ा मेढ़ा करके कहता है, उन साक्ष्यों को बताएं जो यह प्रमाणित कर देता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अरे भैया पहले तो यही पूछा था, तनी मैंने तेड़ करता, तो बस उसके लिए काम कीजिए और थोड़ा सा थौरो अध्ययन पूरा डीप से लेकर। अब हम आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता में जो अगर पंचायत थी
तो उस पंचायत या नगर निगम को भी पैसा चाहिए, टैक्स के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहां से आता था, तो खेती पर क्या लगा था, टैक्स लगा था। उस टैक्स को हम कहते थे बली, क्या कहते थे, बली। टैक्स को क्या कहा जाता, बाली। तो बाली था इस तरह से, बली। टैक्स को क्या कहा जाता था, बली। यहां से जबकि पशुओं को क्या दी जाती थी, देवता के लिए क्या दिया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। यहां पर मुख्य रूप से कौन सा पशु पाले जाते थे, गाय, मुख्य रूप से गाय पाले जाते। इस समय पूरी तरह अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था भैया, कृषि और पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि और पशुपालन था। यहां पर टैक्स के लिए क्या था, बलि। अब ये टैक्स वसूलेगा कौन, अब देखेंगे ध्यान से, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जो आज की है वो वहां भी पहले। अब अगर गांव में रहिएगा ना तो हाउस टैक्स आता है, साल भर में एक बार रसीद कटता है, खेत का रसीद कटता है, वो रसीद कटवा लीजिएगा, जो बताता है कि जिसने रसीद कटाया जमीन उसी का। नगर निगम में आएंगे तो उसका रसीद कटेगा, बड़े शहर में जाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे हर सरकार अपना टैक्स लेती है, ये कॉरपोरेशन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, इनकम टैक्स ले लेती है, जीएसटी ले लेती है, सरकार को टैक्स के सिवा और कहीं पैसा नहीं आता है। तो इस समय भी टैक्स के लिए क्या थे, बलि थे। लेकिन वसूलेगा कौन, तो हर जगह एक लेवल है, गांव है, पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, जिला है, जिला के ऊपर मंडल है, फिर राज्य है, देश है, इससे है ना। वैसे उस समय इतना याद करने की तो जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है सबसे छोटा कौन सा था और सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा जो इकाई थी सिंधु वैदिक काल में, सबसे छोटी वो क्या थी, गांव थी, क्या था, गांव। और सबसे बड़ा जो राज्य था वो क्या था, जनपद, क्या था, जनपद, क्या था, जनपद। जनपद सबसे बड़ा एरिया था, जनपद सबसे बड़ा एरिया जो गांव को कंट्रोल करता था। आज की तरह उसे मुखिया या प्रधान नहीं कहा जाता है, बिहार में गांव सभा को 10-15 गांव को मिलाकर एक गांव बना दिया जाता है जिसे पंचायत क्षेत्र कहते हैं, उसमें एक ही मुखिया रहता है जो 4-5 गांव को कंट्रोल करता है। बस इसके उलट देखेंगे यूपी में, यूपी में गांव के लिए स्पेसिफिक एक गांव का प्रधान होता है, वो अपने गांव के लिए काम करता है। उसी तरह यहां गांव के एज ए मुखिया की तरह था, वो प्रधान था, तो उसका नाम न मुखिया था न प्रधान था, उसका नाम होता था ग्रामिक, क्या था, ग्रामी। लेकिन आज के वक्त में ग्रामिक का मतलब हो जाता है उस गांव का रहने वाला व्यक्ति। लेकिन जब वैदिक काल चल रहा था तो ग्रामिक जो था वो एक पद हुआ करता था जो आज के मुखिया के समान होता था। और जो जनपद था, ये जनपद ये देश के समान होता था, इसका जो होता था राजन होता था, क्या होता था, राजन। अभी के समय में समझिए कि मोदी जी हैं, राजन के तौर पे वही है मोदी जी। अब इस समय धीरे धीरे अब खोज होने लगी, और उत्तर प्रदेश का एक जगह था जिसका नाम था अति रंजी खेरी, यूपी का एक जगह क्या नाम था, अति रंजी खेरी। अब ये भारत देखेंगे, कश्मीर भाई, ये है जगह यूपी, यहां पर एक जगह था अति रंजी खेरी, यहां पर लोहे की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज के वजह से हर चीजों में बहुत सारी चेंजिंग आने लगी, और इस चेंजिंग के वजह से जो जनपद था, क्या था, जनपद, यहां पर जनपद जो थे वो बहुत बड़े होने लगे। जैसे मान के चलिए यहां पे लोहे की खोज हो गई, तो जिसका गांव यहां था वो यहां आने लगा, जिसका इधर गांव था वो भी यहां आने लगा कि भैया वहां लोहे की खोज हो गई है, चक्का गाड़ी बैलगाड़ी सब चीज में लोहा लगना ही लगना है। तो लोहे की खोज होने की वजह से जहां जहां पर लोहा मिलने लगा, जहां जहां पर लोहा मिलने लगा, वहां वहां का जनपद बड़ा होने लगा, क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, क्या करने होने लगा, बड़ा होने लगा। अब यहां पे लोहा मिल गया तो यहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई, यहां मिला तो यहां होने लगी। धीरे धीरे करते करते बहुत जगह, तो पहला बार अतिरंजी खेरी में मिला था ना, ऐसा थोड़ी था कि केवल अतिरंजी खेरी में मिला था। तो जहां जहां लोहे का साक्ष्य मिलने लगा वो जितने जगह थे वो बहुत बड़े होने लगे। अब जनपद जो था वो लोहे की खोज होने की वजह से नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, वहां लोहार लोग की संख्या बहुत बढ़ने लगी, और लोहार एक से एक सामान बनाने लगा, हसुआ खुरपी रामा भाला दुनिया भर का बर्ची। देखते हैं भाई, लोहार की दुकान पे जाएंगे तो आपको 100 से ज्यादा आइटम मिलेगा, करनी बसुली हथौड़ी जंजीर हाँ बेत बांधने के लिए, खरगोश वरगोश बांधने के लिए जंजीर, अरे जंजीर खरगोश कर रहे हैं, हाँ कुत्ता बांधने के लिए, खरगोश तो जंजीर में मर ही जाएगा। तो इंसान की जरूरत की जितनी चीजें थी वो कहाँ मिलने लगी, लोहार के यहाँ मिले। आप इस क्लासरूम में बैठे हैं ना, इस क्लासरूम में अगर आप ध्यान से देखेंगे केवल इलेक्ट्रॉनिक चीज को छोड़ दीजिएगा, मतलब लाइट बिजली को, तो यहाँ 80% आपको लोहा का चीज मिलेगा। जिस बेंच पे बैठे हैं, जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे ये बोर्ड टंगाया हुआ है,
ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह आपको क्या मिलने लगेगा, हाँ लोहा मिलने लगे। लोहा इंग्लिश में क्या बोले, आयरन। सीबीएसई वाला था सर, थोड़ा इंग्लिश बोलिए। लोहा आयरन, आयरन आयरन की जो खोज हो गए, एफ ही वही। देखिए अब ये जनपद क्या होने लगे भाई, बड़े होने लगे। जनपद क्या होने लगे, बड़े होने लगे। मिटिए गया इसे, छोटा जनपद बड़ा हो गया। कोई भी चीज बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, महाकहते। उसके आगे जैसे देश बड़ा हुआ महादेश, सागर बड़ा हुआ महासागर, जनपद बड़ा हुआ महाजनपद। क्या हो गया, महाजनपद, महाजनपद। और धीरे धीरे करके भारत में कुल 16 महाजनपद मिले। कितने महाजनपद मिले, 16 महाजनपद मिले, जिसमें 2 महाजनपद बड़ी फेमस थे। एक मगध महाजनपद, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद मगध, और दक्षिण भारत का माहिष्मति, दक्षिण भारत का बाहुबली वाला। समझ में आ गया कि नहीं। 16 महाजनपद की पुस्तक की चर्चा, एप्लीकेशन वाले ध्यान से बताएंगे, लाइव वाले। 16 महाजनपद की चर्चा किस किताब में है, किस किताब में है, अंगुत्तर निकाय। किस में है, अंगुत्तर निकाय। बिहार में सबसे फेमस महाजनपद कौन जनपद, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद एक बस छोटा सा महाजनपद था जो राजगीर से चालू हुआ था। कहां से चालू हुआ था, उस समय राजगीर का नाम था राजगृह। राज मतलब होता है राजाओं का, गृह मतलब जगह। जानबूझ के राजगीर की राजधानी, कहां मगध की राजधानी उस समय राजगीर बनाई गई, क्योंकि चारों ओर से क्या है, पहाड़ है। अब ऊंचा ऊंचा जगह पे अपना आदमी बैठा दीजिए, अब बस उधर से पहले घोड़ सवारी से युद्ध होता था, बच सकते थे। तो ये राजगीर जो था वो मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो आप किसी को, राजधानी भी फेमस होती है और देश भी फेमस होता है। जैसे भारत कोई प्रतिक्रिया देती है, देता है किसी मैटर पे लेके, तो अखबार में 2 तरह की न्यूज छपती है। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई, ऐसे छपता है, या तो नई दिल्ली ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। समझते ना, राजधानी जो होता है ना वो देश को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बड़ा। जैसे कहता है ना, बीजिंग ने इस पर चिंता व्यक्त किया यहाँ पर, तो इस तरह का बताता है। तो मगध भी फेमस, अब मगध की राजधानी राजगीर। लेकिन मगध के राजा जो थे सब ना बहुत खतरनाक थे सब, वो लड़ाई भी बहुत करता था सब, और शादी ब्याह भी बहुत कर लिया सब। तो नवरसा वाली जमीन देखता था सर। नवरसा उसे कहते थे जिस लड़की का भाई नहीं है ना, अगर आप उससे ब्याह कर लेंगे ना तो पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, पूरी संपत्ति आपकी, और उसके जीवन का पूरा नखड़ा सब आपके सर पे आएगा। ए चाय बना के लाओ तो जा चाय पिया तो है कि नहीं। अच्छा, लेकिन लव मैरिज वाला वो चाय बना के पिलाता है। अरे हमारे एक दो दोस्त में की शादी हुई है ना लव मैरिज में, बेचारा मैगी बना बना के खिलाता है। हमसे कहता है यार क्या कहे, हम कहते तो सामनवा कौन ना, तो उसके सामने जाके भीगी भी ले, कैसा बना है मैगी, कैसा बना है, कैसा बना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो मगध महाजनपद पता नहीं कैसे देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि पता ही नहीं चला। आप लोग भी देखिए, छोटे से बच्चे थे पहले, देखते देखते कैसे बड़े हो गए। जीवन में बहुत सारी घटनाएं आई थी सब, धीरे धीरे आदमी क्या हो गया, बड़ा हो गया। कैसे इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया, पता ही नहीं चला। मगध अपने अगल बगल के जनपद को कहा कि तुम हमारे अधीन आ जाओ, क्या जाओ हमारे अधीन। धीरे धीरे ये मगध महाजनपद बड़ा होते 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 पूरा भारत ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, यहाँ पे कब्जा हो गया बिहारी का। राजगीर से शुरू होने वाला मगध महाजनपद अफगानिस्तान के तक पहुंच चुका था, जो यहाँ अब ये उड़ीसा के कहां से चालू होता था, अटक से, उड़ीसा के कटक से, कहां थे कटक, तो उड़ीसा के कटक से और अफगानिस्तान के अटक तक जाता था। तो ये वही बिहार है जो कटक से लेके कहां तक था, अटक। और आज अपनी पहचान के लिए सिमटता जा रहा है। आज बताइए क्या जो पहले हमारी छवि थी अभी है नहीं। रीजन क्या है, हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। हम हमारे में गलत कहां है, एक बिहारी सब पे भारी, चांद पे जा रहा है नासा इसरो बेंगलोर वाला, एक बिहारी सब पे भारी। सफाई में इंदौर आ रहा है, एक बिहारी सब पे भारी। पटना सबसे चौपट हो गया, फिर भी एक बिहारी सब पे भारी।
शिक्षा का लेवल चौपट हो रहा है, यहाँ बिहार के टॉपर लोग भी सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पा रहे हैं, फिर भी एक बिहारी सब पे भारी है। देखिए एवरेज अच्छा होना चाहिए। आप हमेशा याद रखिएगा किसी चीज, इस क्लास में से अगर दो तीन लड़के टॉप कर जाते हैं ना तो ये क्लास मायने नहीं रखता है, एवरेज लड़के निकलने चाहिए। तो बिहार में ना क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के, कल देखे थे दो छोटका छोटका मेरा स्टूडेंट वन को गर्दा मचाया था सब, लेकिन उससे अंकित और शिवानी, लेकिन सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग समझिए, ये सब आगे बढ़ना आपको क्यों बताना पड़ता है। कभी गुजरात को बोले क्या, सिंगापुर कहेगा कि हम बहुत डेवलप हैं? नहीं, लेकिन हम लोग को आज भी कहना पड़ता है। जब तक आपको अपनी पहचान बतानी पड़ जाए तब तक आपकी कोई पहचान नहीं है। लोग कहते हैं तुम हमें जानते नहीं, अरे बोक कहीं का, तू कोड़ों काम का नहीं इसलिए नहीं जानते हैं तुमको। नरेंद्र मोदी कहेंगे किसी से तुम हमको जानता नहीं है, अरे भाई साहब पूरा दुनिया जानती है, चीन पाकिस्तान तो अच्छा से जानता है। तो ये कौन सा जनपद हो गया भाई, महाजनपद। तो इसमें आपको महाजनपद का सबसे ज्यादा चर्चा किस किताब में मिलेगी, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से। अब इसमें दिक्कत ये हो जाएगा कि अगर हमने गलती से भी इसमें घुस गए महाजनपद में, तो आपको छोटे 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 बड़े महाजनपद के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे इतना इसमें उलझ जाएंगे कि आप बीच में एक बहुत बड़ा टॉपिक छोड़ देंगे जिसमें महात्मा बुद्ध एंट्री मारे थे, जैन धर्म एंट्री मारा था। उस समय लिंगायत, कापालिक, शैव, वैष्णव ये सब धर्म थे सब। तो इसी बीच में वैदिक काल के बीच में हम इस टॉपिक को रोक कर पहले थोड़ा सा बीच में से धर्म वाला टॉपिक पढ़ा के निकाल देते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं। लिंगायत, कापालिक, वैष्णव, शैव, लिंगायत, कापालिक, वैष्णव और शैव स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। वैदिक के बाद हम यहाँ नहीं गए हैं, जाना चाहिए कहाँ पर, महाजन। लेकिन महाजनपद का टॉपिक इतना बड़ा है, इसमें अशोक कूद जाएगा, सिकंदर कूद जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दुनिया भर का अलाउद्दीन खिलजी कहां से आएगा। अरे अलाउद्दीन खिलजी अभी बहुत दूर है। ये समझ में आ गया। अब वैदिक देखिए, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की आप तुलना आराम से कर सकते हैं। ये शहरी थी, ये नगरी थी, ये शहरी यानी नगरीय थी, ये ग्रामीण थी। ये द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता थी। महाजनपद शहरी था कि नगरीय था, शहरी यानी नगरीय था। रीजन समझिए, क्या समझिए, रीजन समझिए। जनपद के लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लगा के कहां चले गए, महाजनपद पे चले गए। कहां चले गए, महाजनपद। तो बहुत ज्यादा भीड़ कहां लग गई, महाजनपद में। तो जहां बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है ना, वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। गांव और शहर में अभी के वक्त में सबसे मुख्य अंतर यही दिखेगा कि गांव में लोग बहुत कम होते हैं, सब एक दूसरे को फेस वैल्यू से पहचानते हैं, उनके चाचा, उनके नाना, उनका पतोह, उनके ससुर। यहाँ शहर में किसी को कोई पता ही नहीं, यहाँ किसी को नहीं पता। हम जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसमें किसी को नहीं पता कि हम ही खान सर, किसी को नहीं पता है। वहां पे वीडियो देखा होगा तो हमको नहीं देखा है फ्लैट में। सुबह निकल जाते हैं, रात में बस सोने के लिए जाते हैं, पता नहीं है। उस सबको उठने से पहले हम ताला मार के चल आते हैं, उसे सूत के उठता है 10 बजे। चलिए, तो ये द्वितीय नगरीकरण का था। कौन सा था, द्वितीय नगरीकरण का तौर था। तो यहाँ देखिये, यहाँ सबसे पसंदीदा जानवर कौन सा था, एक सींग वाला, और यहाँ गाय। ये लोग युद्ध से परिचित थे, नहीं, ये जो अश्वमेघ यज्ञ, गाय भुला गई तो गविष्टि युद्ध, तो ये युद्ध से परिचित थे। इनका सबसे पसंदीदा भगवान पशुपति शिव, और इनका कौन, इंद्र अग्नि, ये लोग थे फेमस में। ये नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता। इसका नगर नियोजन अच्छा था, जबकि इसका सामाजिक नियोजन अच्छा था। यहाँ समाज को बांटा नहीं गया, यहाँ पे क्या किया गया, समाज को बांट दिया गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, आगे बढ़ जाना। यहाँ पे सीयू वगैरह थे ये लोग, तो अब दोनों में कंपेरिजन आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग कौन सा धर्म देखते हैं, जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म। महाजनपद के काल को छोड़ते हैं, धर्म के बाद देखेंगे कौन धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, गलत है, महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहा जाता है। जैन धर्म के हिसाब से ये संसार दुखों से भरा हुआ है, बहुत तामझाम है इस संसार में आए हैं, जब तक जाएंगे नहीं तब तक बीच में बहुत सारा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। इस दुख को झेलवाने के लिए इस संसार रूपी सागर को, दुखों के सागर को पार कराने वाले टीचर को क्या कहा जाता है,
तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में गैप बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह गए तो मोदी जी आ गए, ऐसा नहीं है। देखें अटल बिहारी वाजपेयी, इधर कार्यकाल खत्म हुआ, मनमोहन सिंह शपथ ले लिए प्रधानमंत्री का, मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ तो कौन ले लिए? नरेंद्र मोदी। ऐसा थोड़ी होता है, तीर्थंकर में ऐसा नहीं है। एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर में कई बार तो दो दो सौ साल का अंतर रहा, 200 साल का अंतर देखने को मिला है। तो एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या था, गैप था। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, और उसके बाद 23वें या 24वें फेमस है, 23वें और 24वें फेमस है। ऋषभदेव कौन थे पहले? भैया कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की स्टार्टिंग करेगा तो उसके सकल ऋषि मुनि की तरह तो रहना चाहिए, है कि नहीं? हम ऐसे कोट वोट पहन के चल जाएंगे कि एक नया धर्म निकाले, भगा देगा सबको, भाग यहाँ पे, नया धर्म निकाला यहाँ पे हमें, 5G धर्म एक नया धर्म नहीं निकल सकता है, एक बात कर रहे हैं, 5G धर्म तो हमको क्या करेगा, भगा देगा भाई। धर्म के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है कि आपको वेशभूषा बहुत मायने रखता है धर्म के मैटर पे। अगर मान लीजिए कोई खूब बढ़िया है, अब ऐसे टाई हुई लगा के आ जाएगा तो उसको लोग बहुत कम वैल्यू देते हैं, कहता है कि नहीं ढोंगी लग रहा है। तो ये पहले धर्म वालों को क्या होना चाहिए, ऋषि मुनि की तरह होना चाहिए। तो इनका इनका सकल, ये पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने कुछ खास काम नहीं किया, इसलिए इन्हें वास्तविक तीर्थंकर नहीं कहा जाता है। वास्तविक का मतलब आप बस नींव रख दिए, लेकिन आप कुछ खास काम आगे नहीं किए, इसलिए आपका नाम नहीं होगा। तो वास्तविक में और इसमें अंतर होता है। आपको कई जगह आगे और भी पढ़ना पड़ेगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त हो जाएंगे। तो वास्तविक में और इसमें अंतर होता है, बहुत का क्या होगा, अंतर होता है। तो आप नींव रख दिए इससे मतलब नहीं रहता, आपने विकास या नहीं किया इससे मायने रखता है। तो 23वें तीर्थंकर ने ज्यादा सुधार किया था। इसके बीच में कुछ खास, देखिए इसके बीच में कुछ खास नहीं आए थे लोग, आगे पढ़ा देंगे, मल्लीनाथ वगैरह। कौन आए थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ झारखंड के सम्मेद शिखर पर गए। झारखंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, सम्मेद शिखर। पहाड़ का नाम क्या है? सम्मेद शिखर। इस पर बैठ के खूब ज्यादा क्या किए, तपस्या किए। तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान मिल गया। क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। तो अब वो पहाड़वे का नाम हो गया पारसनाथ। संवेद शिखर का अभी का नाम पारसनाथ। किसी कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा शिखर? पारसनाथ। और इन्होंने कहा चतुरायन धर्म दिया, 4 सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया, चतुरायन धर्म। सबसे पहला बोला इन्होंने झूठ मत बोलिए, धन संग्रह मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, हिंसा मारपीट नहीं कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, धन संग्रह नहीं करना है, झूठ सबसे पहले नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना। पारसनाथ ने क्या कहा, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, मारधार नहीं करना है। अजीब हाल है भाई, आज के समाज में झूठ बहुत जरूरी हो गया। एक शायर ने शायरी कहा था कि बड़े छाले थे उसके पांव पर, लगता है इंसानियत के रास्ते पर चला होगा, जो गया सोच रहा इंसानियत के रास्ते। आजकल गजब वाले, गुनाह ना करना सबसे बड़ा गुनाह हो गया, अब बहुत कठिन दौर पे चल रहा है लोग। तो उन्होंने कहा था कि झूठ नहीं बोलिएगा, धन संग्रह नहीं बचाइएगा, धन संग्रह नहीं कीजिएगा। कहीं ना कहीं एक चीज ये लगता भी है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, वो लोग ज्यादा अकड़ने लगते हैं। खैर वो अलग बात है कि जिन जो जिनके अंदर सांख्य दर्शन, हिंदू सभ्यता और वैदिक सभ्यता, तो ये पहले धर्म वाले फैसिलिटी होती है अकड़ के चलने की, है हमारे पास पैसा है, भगवान उसको ज्यादा पैसे नहीं देता है। देखिएगा जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे लोग ना, उनको देख के आप नहीं कहेंगे, उनका जीवन बहुत सादा रहता है, चुपचाप, वो सब तामझाम नहीं करता है सब। हाँ बिल गेट, आप इनको देखिए ना, व्हाट्सएप, ये फेसबुक वाला कौन है, मार्क जुकरबर्ग, एक वो टी शर्ट पे होके देखे होंगे आप, देखे कि नहीं? अरे हम लोग पैसा वाला आदमी थोड़े हैं लोग,
चोरी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और हिंसा मारपीट को नहीं करना है। लेकिन इनका यह धर्म क्या हो गया, चौपट हो गया, चतुरायन धर्म को कोई खास फॉलो नहीं कर रहा था। एक लंबे गैप के बाद समाज में बहुत सारे क्या हो गई, बुराइयां बढ़ गई थी। तब आए थे महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, आप में कोई जैन धर्म का है? एक भी नहीं जैन, एक बौद्ध धर्म के बस, कोई जैन धर्म का नहीं है। पता है शिक्षा में सबसे आगे अभी जैन धर्म वाले, संख्या कम है, अब एप्लीकेशन पे होगा लोग शिक्षा। एक्चुअली क्या है कि उनकी संख्या कम है, संख्या कम होने से आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, समझ में गया नहीं? अब जैसे मान के चलिए मुस्लिम समाज में इतना ना लड़के पैदा हो जाता है कि शिक्षा कौन चीज देगा, तो हिंदू मुस्लिम में अब मतलब खैर फिर भी हिंदुज्म में तो शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है भी, लेकिन मुस्लिम में अभी भी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। हम बोलेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, तो देर मुड़ लिया है। महावीर स्वामी ने कहा कि देखो भैया, ये झूठ बोलना, धन बचाना, चोरी करना, मार धार करना, ये करता आदमी जरूर है, ये आदमी करता जरूर है, लेकिन करवाती महिला है। क्या करना है? ब्रह्मचर्य पालन करना है, यानी महिला सबसे दूर रहिए। तो इन्होंने इस चतुरायन धर्म में, इस चतुरायन धर्म में एक और कह दिया कि महिलाओं से दूर रहिए। तो इन्होंने चतुरायन धर्म को क्या बना दिया, पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन। कहा कि महिले के चक्कर में क्या होता, आदमी झूठ बोलता है, फरवरी का महीना चल रहा है, कोनो कहीं बैठ के चाय पी रहा है सब दूगो, पापा फोन करेंगे कहाँ हो, पढ़ रहे हैं खान सर के पास है, बाद में बात करेंगे, ले ले गैलो धर्म, चतुरायन धर्म है कि नहीं। अभी गिफ्ट देना होता है, कौन सी टैडी चॉकलेट दुका दुका देते रहता है सब, कहा अब्बा घर से पैसा दे रहे हैं, धन संग्रह किया है वो जनवरी से, नहीं मिला तो पार्टनर का क्या मार लेना है, पर्स मार लेना है, सब तैयारी उसकी पूरी है, 14 फरवरी को दूसरे के साथ देख लिया। ले कंफर्म उसके साथ हिंसा होगा। अरे 2015 की 16 में यहां मर्डर हो गया था, कि ससुरी तो हम गौए से फंसैले थे, यहीं आके तो दूसर से फंस गई। ये पटना में बहुत होता है बाबू, लड़की जो रहेगी ना पटना में अक्सर ही देखिएगा, इस सब चक्कर में ज्यादा मत रहिएगा, लड़की सब के बात पे इस सब में वो गौए से एगो से फंस के आएगी, और यहां आके लगेगा दूर, सोच रहा तो 3G मॉडल है, 5G तो यहां है, तो हियो एगो से बतियाएगी, और क्या कहेगी पता है, जन पहल का वाला है, कहेगा ये हमारे घर का है, घर वाले भेजे हैं लोग कि मेरा ध्यान रखे, ये जान जाएगा तो घरे बता देगा। अब तू लोग तो बबुआ सीधा, तू लोग को लगेगा ओ माय गॉड एकरा से बच के रहना है। देखिए इसे कहते हैं इंसुलेशन। अब आप तो आपको लगेगा बाहरी बाहर कितना अच्छा, इससे बच के रहना है, बच। और क्या कहेगी कि वो मेरा फोन चेक करते रहता है, तुम मत करना, हम ही इधर से करेंगे। तू लोग बाबू लोग इसी में पगला गया रहता है, कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, रद्द होके आएगा यहाँ पे। भाई साहब यहाँ लाइब्रेरी में कैमरा जो लगा हुआ है, या यहाँ क्लास में कैमरा लगा, इसमें ऑडियो रिकॉर्ड होता है आपका, आप यहाँ जा हल्ला वल्ला करते हैं रिकॉर्ड होता है, जब क्लास वगैरह नहीं रहेगा शाम हमको लाइब्रेरी यहाँ सीढ़ी पे बैठ के लड़का लड़की लाइब्रेरी में आएगा सर 2 मिनट के बाद, अरे अरे बाद में बात करेंगे, बाद में, सब डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए यहाँ कैंपस में आने के बाद आप अपनी पर्सनल बातें कुछ नहीं कीजिए, क्या पता रिकॉर्ड हो जाएगा, और आपका एग्जाम्पल हम अगले बैच में बता रहे होंगे। आप में से कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है कि उसके गांव का कोई है उसको देखने के लिए, हुआ है ना? हाँ समझ जाओ बबुआ वो पहिलका है। लड़की लोग बताइए हम गलत बोल रहे हैं? चलिए अब आगे कल क्लास करेंगे, एप्लीकेशन वाले सब लोग के साथ यही होता है, समझ आ गया नहीं? इस सब के चक्कर में नहीं रहिएगा, चलिए अब अगला क्लास कल करेंगे आगे हिस्ट्री।